हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पुलिस थाना बभारना के तहत पड़ते कहनपट में सोमवार सुबह 7:30 बजे हिमाचल पथ परिवहन निगम के पालमपुर डिपो की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह परिवहन निगम पालमपुर डिपो की बस सद्दू से पालमपुर की ओर जा रही थी तो कानपट से कुछ ही दूरी पर यह बस एक तीखे मोड़ पर सड़क से नीचे पलट गई, जिससे बस में सवार 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बस से बाहर निकालकर गाड़ियों से टांडा अस्पताल भिजवा दिया। घायल सवारियों में से एक महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पंचायत प्रधान कंचन चौधरी ने लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सवारियों को बस से निकालने में मदद की। धीरा पुलिस चौकी इंचार्ज SI जितेंद्र सिंह भी अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत रिपोर्ट ली। दुर्घटना के कारणों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। चलो सर क्या है।